गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, मस्त है। क्या कर रहे हो? बस सैंडविच बनाने की तैयारी। कौन सी सैंडविच? मलाई। मलाई सैंडविच? हाँ जी। ओहो, तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ढेर सारा प्यार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज कोमल बना रही किचन में मलाई सैंडविच, और इसकी जो है आज हम आपको पूरी रेसिपी बताएंगे। देखो गाइस, उतना टैलेंट तो नहीं है, जितना है लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि जिनको नहीं आता है वो भी भैया अपने घर पे ऐसे बढ़िया नाश्ता बनाए और अपने घर वालों को खुश करें। और क्या, जैसे आपके घर में कोई आ गया और कुछ है नहीं बनाने को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चॉप किया गया है, टमाटर है, खीरा है, और प्याज है, और मलाई है, और इसको इसमें ये कल का और आज का मलाई है, दो दिन का। हाँ, इसको इसमें मिला देना है अच्छे से, ना यही करना है ना। प्याज है, प्याज ज्यादा है क्या? ना डाल दो, ज्यादा नहीं है, एक ही प्याज ही है, बहुत है, लेकिन प्याज ज्यादा नहीं अच्छा लगता है, कम ही अच्छा। मिर्चा डाल दे, हरी मिर्च, और क्या, मिर्चा डाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम सूट पहने हैं आपने, अच्छा। दिल्ली वाला है। इसमें डालेंगे, देखो ये है नमक जीरा, वो नहीं है ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं जो, यार क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो पिज्जा में ऊपर डालते हैं, ऑरेगानो। हाँ, ऑरेगानो, रेड वो चिली फ्लेक्स। तो गाइस, जिसको जिसको आता है वो भी बताइए, हाँ भैया हमने, मुझे आता है, और कोई हम अगर गलती कर रहे हैं इसमें तो आप भी बताइएगा, हाँ आप ये नहीं डालें, हम ये काला नमक और जीरा है इसीलिए इसको डाल रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे अच्छे से उसे मिला रही हैं, तो देखिए अच्छे तावा पे चढ़ा दिया है। आधा टमाटर है, उधर काट दे क्या है ना, काट दो जब है तो, काटने में चाकू बहुत नुकीला है गाइस। ये चाकू हम लाए थे यहाँ के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे कोई चाकू ना वो नुकीला नहीं है, इसलिए हम सोचे यहाँ पे चलो चाकू लेके चलते हैं, लेकिन चाकू वाकू नहीं लेके जाना चाहिए सफर में ना, सफर में भी वो ससुराल माई के चाकू नुकीला चीज नहीं ले जाना, क्यों उससे क्या धार वाला चीज नहीं ले जाना चाहिए, सुने हैं। तो गाइस मुझे तो नहीं पता है, अगर आपको पता है कि जिसको भी तो बताइए कि ससुराल देसी घी से कर रहे कि रिफाइन से, देसी घी से कर रहे हैं, रिफाइन से कौन खाता है, हम ढेर सारा घर का घी मम्मी निकाली हूँ, किस दिन काम आएगा, देखिए निकाल के चलिए। क्या लेने गई हो? हरी मिर्च एक ही डाले ना, एकदम चॉप करके डालना, एकदम मान लो बच्चे खाएं अभी तो बोलना, एकदम मतलब बारीक बारीक करके डाली हो उसमें, थोड़ा सा हरी मिर्च भी देखिए ऐड कर रही है यहाँ पे। एक बार मैं फिर बताता हूँ, उसमें देखिए खीरा है, टमाटर है, प्याज है, और मलाई है, बाकी एक हरी मिर्च, जैसा आप तीखा खाएं या ना खाएं उस हिसाब से अपने में आप डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना इसीलिए हम कम डाल रहे हैं। और चलिए ये रहा इनका जो मिर्चा तैयार हो गया है, बट कितना बारीक कट रहा है, देख रहे हो चाकू ही से, बहुत हम खीरा काटे हैं ना, तो गाइस पता है इसको बनाने में मेरा भी थोड़ा सा हाथ लगा हुआ है, मैंने खीरा वगैरह यही काटे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं सैलेड के रूप में, बट दही होता तो मजा आता है, सैलेड दही में मजा आता है, घी देना तो कहाँ है घी, पीछे डब्बा में। तो यहाँ ब्रेड का पैकेट हमने भैया से मंगाया है, और ब्रेड लेके आए हैं भैया, और इधर देखिए वही हम घी निकाले साफ साफ प्लेट में, अब वो अलग से बर्तन वही प्लेट में, प्लेट और निकाल ले, घी हुआ क्या, घी हुआ तो क्या हुआ, अभी मान लो कम ज़्यादा होगा तो उसमें से निकाल लेंगे ना, कैसे पता है, ये मलाई को इतना हम ऐसे चला दिए ना सब मैश हो गया, जैसे लग रहा है दूध हो ही जाएगा, मलाई को मैश करोगे तो आप चलाने से, चलो लगा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर आप काला नमक भी ऐसे छिड़क के खा सकते हो, गरम गरम इसलिए जल्दी बना रहे ना क्योंकि भैया है खा लेने के, वो चले जाएंगे। हाँ भैया मतलब जेठ जी, ये देसी जुगाड़ है, नहीं तो वैसे तो और सैंडविच तो बनाने वाला एक आता है ना, टोस्टर बोलते हैं उसे, उसमें बनता है, इसमें भी अच्छा बन जाता है। अरे ठीक है यार, जो घर में बन जाएगा ज़्यादा बेटर है, देसी जुगाड़ लेंगे बाद में, लेंगे इसको ऐसे काट, ऐसे खा सकते हैं, काट के भी खा सकते हैं। हाँ ऐसे भी खाओ, काट के भी खाओ, ब्रेड छोटा है काटने लायक, ये तो गर्मा गर्म अच्छा लगेगा, तुरंत खाओ तुरंत, चलो आप बना के चलो पहले भैया को दे दो, धीमा कर दे रहे हैं। हाँ।
दो पीस जितना। चलिए गाइस काट के दिखाते हैं आपको, अभी तुरंत काटेंगे तुरंत। चाकू एक पीस और बना दो। एक पीस और बना दो, ठंडा ना हो जाए। खाते रहे तब से क्यों बनाते रहे। अरे नहीं ना, ठंडा हो जाएगा, इतना टाइम लगता है बनाने में। ये देखिए एक और बना दे। और क्या, एक और चलो गाइस, एक और बना दे फिर मिलते हैं आप लोगों से। दो प्लेट में क्यों, छह एक भैया को दे देंगे भाभी को। तो गाइस क्या हुआ, क्यों मतलब बता रहे हैं, क्योंकि अभी बनने में टाइम है, तब से एक एक गेदे खाते रहे हूं आराम से। चलो 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 कैसा है सुना आपका? अच्छा है, है। अब जी ठीक है, बहुत टेस्टी है भैया। पास कर चले सौ में सौ बाबू जी भैया, भैया बोले बहुत टेस्टी। हाँ बना के लाओ, मैं देख के आता हूँ ना। बोले भैया ना बहुत टेस्टी बना, क्योंकि भैया तो देख रहे सोना को ही खिला दिया। होता है इंसान ना पहला पैर अपने बच्चे को, माँ बाप ऐसे ही होता है, पहले अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि अगर उनको दोगे ना तो अपने बच्चे के लिए जरूर रखेंगे। देखा इस पहले भैया के लिए भाभी ने बना के दे दिया है, बाकी ये तो अपना बाद में खा लेंगी। और क्या, हम चाय के साथ आराम से बैठ के खाएंगे। नहीं सही बात है, भैया ड्यूटी चले जाएंगे, अच्छा है पहले बना के दे दो। तो चलिए गाइस, ये आप लोग को पता होगा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, और भैया ने फीडबैक भी दिया कि बहुत टेस्टी है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से, अब बन जाए खिला उला दें सबको। नमक नहीं पूछेगा, इतना मस्त लग रहा है, बोले हैं बढ़िया है ना, सब बढ़िया है, नमक उमक सब बढ़िया है एकदम। चलो ठीक है, लाओ मैं भैया को दे के आता हूँ। गाइस देखिए आज मेरा उंगली कट गया है, काफ़ी दूर तक कट गया है, ब्लड बह रहा है। मैं लौकी काट रहा था और चाकू इतना साफ था कि ना सीधे कटने के बाद सीधे उंगली पे लग गई। नहीं लकड़ी वाला था यार, तो ये कट गया तो क्या करें। तो गाइस पता है बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, इनको बुखार हो गया है, तो अभी दवा पवन से मंगवाए थे, दवा पिलाए हैं, उल्टी कर रही हैं, कुछ खा रही हैं उल्टी कर दे रही हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन भी है परेशान भी है, यहाँ पता नहीं बच्चों को जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और सोना को भी बुखार है। उधर देखिए मैडम जी रोटी बना दी, नाश्ता वास्ता बनाने के बाद बाकी खाना बन गया, बस रोटी बाकी था। और भाभी भी जा रही है सोना को डॉक्टर के पास लेके, सोना का भी तबीयत ख़राब है, इसको भी बुखार उखार है, जा रही डॉक्टर को दिखाने। कैसे बेटा देखो चाचू क्या कर रहे हैं, कि पापा गए हैं बाइक लाने, तो आएंगे तो जाएंगी। चलो बाबू को दूध निकाल दो, दूध पिला लेते हैं। झूठ क्या बोल रहे हो चाची ने, अरे वो बेड पे बैठी थी ना, फिर नीचे बैठ गई, मुझे दिखा नहीं हो तो देखना चाहिए ना, बिना देखे कैसे। अरे मैं बाबू को, बाबू के पास था ना, घूम के उठ के देखना चाहिए। भैया ने खाना भी खा लिया है ना, मेला क्या कर रही हो, मेला क्या कर रही हो। नहीं ये गलत है, अभी मत बोलना कि हम बर्तन पीट रहे थे। नहीं एक दिन ऐसे हम बर्तन धो रहे थे, एक यहाँ स्टैंड में क्या करते हैं ना, बड़ा वाला थाली रहता है तो गिर जाता है, गिर गया। ये क्या बोले, क्यों बर्तन पीट रही हो गुस्से में, और वही भाभी बोली कि नहीं बर्तन इस पर पता नहीं क्यों रखते हैं, गिर जाता है, ये स्टैंड छोटा है, इस पर बड़ा बर्तन नहीं रख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे पायल आया है इनके लिए तीज पे पहनने के लिए, कौन सा पसंद आ रहा है आपको, आप बताओ। देखो एक डिजाइन ये है, कैसा डिजाइन है यार, तो आपको कौन कौन सा पसंद आया, कुछ समझ में आया। देखो एक डिजाइन ये है अच्छा लग रहा है, नहीं एक डिजाइन ये है ऐसा है, ठीक है।
ये डिजाइन है जो हम पहनते ही हैं, देखो पहने हैं वैसा ही है ना। और एक डिजाइन ये है सिंपल सोबर है जी, ये जैसे डेली वेयर के लिए है। और ये भी ऐसा ही है, इसमें बीच बीच में वो लगा है ऐसा है, देखो सही है सही है। सबसे अच्छा हमको ये लग रहा है। अरे पैर निकला हुआ तुम्हें? हाँ वो हम निकाल के देख रहे हैं। सही है सही है बाबू, बहुत पतला पतला है यार ये तो। हाँ जैसे डेली भी है, ये भी अच्छा लग रहा है। एक ये अच्छा लग रहा है, एक ये आपको है? आपको मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये वाला ना, ये भी अच्छा है, ये भी है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, यही ले लो अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोग भी कमेंट बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है। ये नहीं अच्छा लग रहा है यार, तरह अजीब से लग रहा है, ये देख रही है। चलो ठीक है, अब मैं आपको मीना दिखाते हैं। बिछुआ इसका पन्नी नानू ने देखा नीचे, तो यहाँ पे देखिए गाइस ये मीना भी है जो पैरों के उंगली में पहनते हैं। पर हमें ना ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला कौन सा? ये वाला ना, हाँ ये वाला तुम सही कह रहे, ये वाला ठीक है, यही ले लो फिर। बाबू मेरे को छीनना है सबको, तो पायल पसंद कर लो तुम। एक डिजाइन ये है, ये भी ठीक है, ठीक है चलो। चार ठू मीना आया था, बोले तो भैया जाओ लाएंगे डिजाइन दूसरा है। अरे नहीं खोलो भैया पन्नी। गाइस यही था जो मम्मी ने कोमल को दिया है, अभी ने पसंद किया है। अभी मतलब कोई दिया लिए नहीं, अभी लाए भैया पसंद कराने के लिए। पसंद हो गया ना तुम्हें ये? नहीं तो अभी बोल रहे हैं और डिजाइन लाएंगे ना, सोच रहे हैं और देख लेंगे डिजाइन। अरे हो गया इसी में, चलो दे मांग रही है तो और लाएंगे, बाकी देख लेंगे और। ठीक है चलो चलिए गाइस ये ब्लॉग में यही करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।